मैक्सिको का माउंट बेले, ये बिल्डिंग जो लिफ्ट से होके यहाँ पर आएंगे, ये हमारा मेन गेट है और मेन गेट से आपके साथ में ये सर्वेंट रूम है। सर्वेंट रूम यहाँ से एंटर करके ये उसका सामने बाथरूम है, ये उसका गेट खुलता है जो बालकनी की तरफ जाता है। तो ये सर्वेंट रूम और ये इसका मेन गेट। मेन गेट के ठीक सामने आपका ड्राइंग रूम, बहुत स्पेशियस और ये ड्राइंग रूम का फुल व्यू। इसके बाद ये बालकनी, काफ़ी बड़ी, और इसके साथ ये नीचे स्विमिंग पूल, सामने ये टावर, इसके ठीक सामने ये 27 मंजिल की बिल्डिंग है, कुछ 21 मंजिल की बिल्डिंग है और इधर ये 25 मंजिल की बिल्डिंग है। तो बालकनी से ये बहुत अच्छा व्यू जो देख के तबीयत खुश हो जाती है। ये इसकी किचन, भी बहुत स्पेशियस, और किचन में से ये बालकनी, भी काफ़ी बड़ी है। ये बालकनी, और बालकनी के साथ में ही ये सर्वेंट रूम से ये गेट आता है ताकि सर्वेंट रूम इधर से बाहर आ सकता है। तो ये ड्राइंग रूम में से एक लेफ्ट साइड में ये एक बेडरूम है, इस बेडरूम में भी बालकनी है। ये इसका अटैच बाथरूम, इसका ये लाइट, और इन्होंने टीवी का पॉइंट भी लगा के दिया है ये, और यहाँ पर ये एसी का साइड लगता है, ये बाथरूम के ऊपर एसी लगेगा। तो एक ड्राइंग रूम ये है, यहाँ से भी स्विमिंग पूल दिखता है। दूसरा जो ड्राइंग रूम है वो इस साइड है, एक ड्राइंग रूम ये है, इसके साथ में अटैच बाथरूम, ये सीट लगी हुई है। इस गेट में यहाँ से ये ड्राइंग रूम में से दूसरी एंट्री है जो कि मास्टर बेडरूम, और मास्टर बेडरूम के साथ ही अटैच बाथरूम, और यहाँ से भी एक बहुत अच्छा व्यू जो ये बालकनी को जाता है। यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, ये बालकनी, और बालकनी से बाहर का ये व्यू जो आप देखेंगे बहुत अच्छा व्यू, सामने वाली टावर जो 21 मंजिल है, 25 मंजिल है और 27 मंजिल है। तो ये बिल्डिंग, और नीचे ये स्विमिंग पूल, ये बहुत अच्छा गार्डन, इसके साथ में दूसरे टावर हैं। प्रैक्टिकली मैं जो खड़ा हूँ ये बी टावर है जो अपने आप में 70 मंजिल है। उसके बाद ये इसका बाथरूम, भी काफ़ी बड़ा है।
अभी आपने ये फ्लैट का जो बी टावर जिसका स्क्वायर फुट 1815 स्क्वायर फुट है, ये 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट रूम है, और इसकी जो स्पेशल जो क्वालिटीज हैं उसमें आप देखेंगे कि हनीवेल के स्विचेज हैं, स्विच और रेगुलेटर, और यहाँ पर इनकी जो एसी लगेंगे वो डायकन के लगेंगे, दैट इज नंबर वन इन कंट्री। जो डायकन का नाम लेते ही लगता है कि शायद एयर कंडीशनिंग की दुनिया में सबसे बेस्ट इक्विपमेंट एयर कंडीशन। और यहाँ जो फिटिंग्स हैं वो सारी की सारी जगुआर की हैं, जगुआर भी अपने आप में कोलर, सॉरी, ये जो फिटिंग्स हैं वो कोलर की हैं, जो अपने आप में एक ब्रांड है। और इस ब्रांड के साथ साथ इसका जो थोड़ा सा हिस्ट्री में बताऊं कि ये जो बिल्डिंग है वो प्रैक्टिकली शापुर जी पालन जी, जो जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कभी बनाया था, उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन की है। तो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जो इसकी है वो बेहतरीन। इसमें आप देखेंगे कि देखने के बाद आपको लगेगा कि इसकी जो बिल्डर हैं मैप्सिको, इन्होंने क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। मैं शायद मेरे पहले बार में जो ये देखा है वो देखने से ऐसा लगता है कि इसका जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा है। और इसके अंदर जो लिफ्ट लगी हुई है वो लिफ्ट भी कोने की है, जो अपने आप में एक अच्छा ब्रांड है। और इनकी स्मूथ रनिंग, शायद मैं यही कहूँगा कि यदि कोई माउंट विले इस टावर को ख़रीदता है तो शायद जो पैसा वसूल टेक्नोलॉजी है, और उसको यदि B602 जो टावर है, इसके अंदर बी ब्लॉक जो टावर है, बी टावर, और उसके अंदर जो फ्लैट है जिसका फ्रंट बिल्कुल स्विमिंग पूल के ऊपर नीचे दिखता है स्विमिंग पूल, तो वो जो व्यू है वाकई काबिले तारीफ है। तो मैं ऐसा बिल्डर जो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के लिए जाना जाता है, मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस एरिया में इतना अच्छा फ्लैट बना के दिया है। यदि कोई इस फ्लैट को, इस टावर में, इस प्रॉपर्टी में, माउंट विले प्रॉपर्टी में यदि कुछ ख़रीदने की सोचता है, तो आई थिंक ये अपने आप में क्वालिटी के लिए जो अच्छी जो इनके लिफ्ट है, वो जितने भी फिटिंग्स हैं उसके बारे में और डायकन के एसी के बारे में, इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट जो ख़रीदें, तो इसको मुझे लगता है कि इस एरिया में सबसे बेस्ट सोसाइटी है। यस, कॉस्टली तो है, बट दूसरे की कंपैरिजन में जो ये कंस्ट्रक्शन है वो बहुत अच्छी है। यूं तो हमने बहुत सारे से देखे हैं, यहाँ पर सुपरटेक है, गोदरेज है, और ये माउंट विले है, DLF के भी फ्लैट हमने देखे हैं। आई थिंक पैसा वसूल जो सेटिस्फेक्शन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इन्होंने जो अर्थक्विक होता है उसके लिए भी बहुत स्पेशल अरेंजमेंट किए हुए हैं। इनका जो आर्किटेक्ट है वो शायद हाफिज कॉन्ट्रैक्टर थे, जो दुनिया में अपने आप के लिए जाने जाते हैं। तो आर्किटेक्ट जो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर बनाने वाले शाहपुर जी पालन जी, और उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन किया है, आई थिंक बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, इसी के लिए माउंट विले और ये ग्रुप ऑफ मैप्स को जाना जाता है। मैं सोचता हूँ कि मेरी शुभकामनाएं हैं, और ये फ्लैट जो हमने कभी ख़रीदा था आज मुझे लगता है कि वो पैसा वसूल है। थैंक यू वेरी मच, मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये ऐसे ही मेरा भी फ्लैट अच्छे पैसे दे के जाएगा, और इनकी जो खुद का फ्लैट है, बिल्डिंग है, टावर्स हैं, वो भी अच्छे अपना नाम कमाएंगे। थैंक यू वेरी मच।